नहीं थम रहा है क्षेत्र में गांजा तस्करी का सिलसिला। कार्रवाई होने के बाद भी क्षेत्र में है गांजा तस्कर सक्रिय। मामला बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच और बिलाईगढ़ पुलिस को फिर से मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर 57 किलो गांजा होंडा सिटी के साथ तीन आरोपी को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर बिलाईगढ़ पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर उड़ीसा से सप्लाई कर रहे गांजा तस्करों को, जो होंडा सिटी कार से गांजा ले जा रहे थे, फिर एक बार पवनी गिधोरी मार्ग में पवनी मोड़ के पास भारी मशक्कत के बाद तीन आरोपी सहित 57 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी एमपी के हैं और इन्हें फोन के माध्यम से चंद्रपुर में बुलाया गया, जहां इन्हें होंडा सिटी कार में भरी 58 पैकेट वजन 57 किलो गांजा और गाड़ी को देकर बिलासपुर मार्ग भेज दिया गया। वहीं आरोपी का नाम रत्नेश यादव, धर्मेंद्र मेहरा जो कि दमोह से, और एक आरोपी राकेश झाड़िया जबलपुर से है। वहीं कार में तीन नंबर प्लेट भी मिले, जो किसी G02CG04 के हैं। जिन्हें बलौदा बाजार क्राइम ब्रांच और बिलाईगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी के 34 नंबर से गाड़ी का सही नंबर निकाला जाएगा, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही। वह पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 20B NDPS के तहत कार्रवाई करने की बात कही। ये जो है गांजा उड़ीसा से इन लोग कहीं से लेकर आते हैं, इनका कहना है कि उधर से कोई इनको ला करके दिया है रास्ते में, और हम लोग को ये बात की सूचना क्राइम ब्रांच को लगा था, उसके आधार पर हम लोग फिर संयुक्त टीम बनाकर घेराबंदी करके, इसमें पहले से घेराबंदी करके रखना पड़ता है, तो उस आधार पे रात से ही हम लोग लगे हुए थे। और इस कार्यवाही के दौरान फिर इनको पौनी मोड़ बोलते हैं, जो हमारे मुख्य मार्ग है गुधोरी पौनी मार्ग, उस जगह पे इन्होंने एक तो इन लोग गाड़ी रोक कर भागने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग काफ़ी घेराबंदी किए हुए थे अलग अलग, तो अपने क्राइम के लड़के लोग घेराबंदी करके अलग अलग जगह छुपे हुए थे, सब मिलकर फिर इसको पकड़ लिए। और उस आधार पर फिर जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम लोग अपने तलाशी की करवाए, उसके बाद इन्हीं आरोपी से अपने तलाशी कराने के बाद फिर इनके गाड़ी तलाशी के दौरान दो प्लास्टिक बोरी में भरा था, जो चलने के दौरान मशीन निकला हुआ था, तो 57 पैकेट है और बोरा सहित तौलने से वो 58 आ रहा है पैकेट, 57 पैकेट माल बरामद हुआ है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, माल पकड़ा गया वो बोरी खुला हुआ था कि बंद था? एक बोरी खुला हुआ था, पहले ही तो बता दिया वो बात। कहाँ के रहने वाले हैं इन लोग? ये जो है सब MP के हैं, अपना पता इन लोग बता रहे हैं। एक है रत्नेश यादव और धर्मेंद्र मेहरा, ये दोनों दमोह के रहने वाले हैं, और राकेश झाड़िया जो है जबलपुर, तीनों मध्य प्रदेश स्टेट के बता रहे हैं। और गाड़ी में और कुछ मिला है क्या गांजा के साथ? नहीं, गाड़ी है होंडा सिटी गाड़ी, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अलग अलग नंबर प्लेट से इन लोगों ने लगाया है, परंतु अब हम इसके 33 नंबर के आधार पर इनका जाँच करेंगे कि वास्तविक नंबर इसका क्या था। आए दिन क्षेत्र में गांजा तस्करी हो रहे हैं, सर क्या करना चाहते हैं? गांजा तस्करी हो रहा है तो हम उससे होशियार हम लोग भी हैं, हम पकड़ने में मुस्तैद हैं, फिर भी पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा। जब पार होगा हम लोग पकड़ लेंगे भाई। क्या क्या धारा लगाए? और NDPS 20B की धारा लगेगी, और ऐसा अगर होता है तो मेरे तरफ चैलेंज है कि जब पार करेंगे मैं पकड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब बड़ा सवाल यह है कि पकड़े गए गांजा बोरियों में एक बोरी खुली हुई थी, जो कई सवाल को जन्म देता है। क्या गांजा तस्कर रास्ते में गांजा कहीं और खफा गए या कुछ और? पकड़े गए आरोपी को कड़ाई से पूछताछ करने पर कुछ और बात सामने आ सकती है। जनता टाइम्स से ब्यूरो रिपोर्ट।